इंडिपेंडेंस डे इज अराउंड द कॉर्नर, सारा इंडिया से मिलकर सेलिब्रेट करता है, तो क्यों ना एक ऐसी डिजर्ट बनाई जाए जो कि हमें तिरंगे की फील दे। तो हमने ये आपके लिए ट्राई कलर डिजर्ट बनाया है, जेली डिजर्ट। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है व्यूवर्स, और ये बहुत ही खूबसूरत है, और जितना ही खूबसूरत है दिखने में उतना खाने में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आसान सी रेसिपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके, और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। जेली डिजर्ट बनाने के लिए व्यूअर्स हमने ये एक कप पानी लिया है, ये हाफ हाफ कप करके हमने दो बार लिया है पानी, इसे हम बॉयल करेंगे। बहुत ही जल्दी है, बहुत ही आसानी से बन जाता है व्यूअर्स ये, और इसको बॉयल करेंगे, और इसके साथ में ही हम 4 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे यानी शुगर, और इसे डिसॉल्व करेंगे, और बहुत ही जल्दी इसमें बॉयल आ जाता है व्यूअर्स। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, चीनी को डिसॉल्व होने देंगे, और ये 1 टेबलस्पून हमने ये जेलेटिन पाउडर डाला है, आप चाहे अगर भी डाल सकते हैं, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, कोई लम्स ना हो, कोई गुठली ना हो। देखिए डिसॉल्व हो गई है। अभी हमारे पास फूड कलर था ग्रीन कलर, तो ये हमने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है, 5 से 6 ड्रॉप्स डाली है, देख लीजिए जो आपका डिज़ायरेबल कलर हो, और इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे। व्यूअर्स यहाँ पे एक बात का जिक्र करते चलें कि हमारे चैनल पर गिव अवे अब भी स्टार्ट है, और बहुत जल्द हम इसके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन लाने वाले हैं, तो सो स्टे ट्यून विद अस। ये देखिए ठंडा हो गया है, तो पहली लेयर हम इस पर लगा लेते हैं, हम इसे लेयर में लगाएंगे, जेली है तो जल्दी जम जाती है व्यूअर्स, तो इसकी हम एक ग्रीन की लेयर बना लेते हैं, ये हम हाफ हाफ करके डालेंगे इसमें, और इसे सेट होने के लिए रख देंगे। जब ये 15-20 मिनट बाद सेट हो जाएगा तो हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। फिर दूसरी लेयर तैयार कर लेते हैं जो कि हम वाइट बनाएंगे, हमारे तिरंगे में जो वाइट कलर होता है वो हम दूध से बनाएंगे। तो हमने दूध को बॉयल होने रख दिया है 1 कप, इसमें जब बॉयल आने लगे तो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, 4 टेबल स्पून हमने चीनी ली है, और फिर हम इसके अंदर जो हमारी जेलेटिन पाउडर है वो हम इसे डाल देंगे, आप चाहें तो अगर भी ले सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून लिया हमने, तीनों में साफ सेम इन हमने मेजरमेंट लिया, और इसे मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना हो, अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे स्पैचुला से, और जब ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे बंद कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि सेट हो जाए। ये देखिए हमारी जो एक लेयर है वो अच्छे से सेट हो गई, जम गई है, तभी हम दूसरी लेयर इसमें डालेंगे, वरना ये मिक्स हो जाएगी। ये दूध की लेयर भी डाल देते हैं, बिल्कुल बराबर हम इसमें डालेंगे, ये देखिए ये हमने इसमें डाल दी है, और इसको भी सेट होने के लिए रख देते हैं 15 मिनट के लिए, और फिर इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे। इतने हम तीसरी लेयर भी तैयार कर लेते हैं व्यूअर्स, इसमें पानी बॉईल करा है 1 कप, और 4 टेबलस्पून इसमें चीनी डाली है, और ऐसे ही हम इसमें जेलेटिन पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे ताकि कोई लम्स ना हो, और बस इसके अंदर हम ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। देखिए हमारे पास ऑरेंज फूड कलर है, आप कुछ भी बना सकते हैं व्यूअर्स। तो हमारे पास ये थोड़ा ये इंडिपेंडेंस डे की फील के लिए हमने बच्चों के लिए बनाया है, बच्चे बहुत खुश हुए इसे दिखाकर, बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए ये बॉयल आ गया है, उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो भी आपका डिजायरेबल कलर है, अगर नहीं आया तो थोड़ा और डाल दीजिए कलर, लेकिन आई थिंक ये ठीक लग रहा है, ठंडा होने के बाद थोड़ा डार्क होगा। ये देखिए, और बस इसकी तीसरी लेयर भी हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दो लेयर हमारी अच्छे से सेट हो गई हैं, जम गई हैं, अब तीसरी लेयर भी इस पर डाल देंगे, बहुत ही खूबसूरत लगता है व्यूअर्स ये तिरंगा। देखिए हमारे ये ट्राई कलर डेजर्ट जेली सेट हो रही है, और ये बनकर तैयार हो जाएगी। बस ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारा ये ट्राई कलर डेजर्ट जेली डेजर्ट बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए कितनी इजी रेसिपी थी, हमने जल्दी से मिनटों में इसे बना लिया है, बहुत ही खूबसूरत लगी है व्यूअर्स। अपने इंडिपेंडेंस डे आप इसी के साथ सेलिब्रेट कीजिए, आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए हम इसको डिश आउट करके भी दिखा देते हैं। ये जेली जो होती है जब सेट हो जाती है तो हम इसे स्पून से आइसक्रीम की तरह निकाल कर हम इसे खा सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि इससे किस तरह निकालना है, और बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं व्यूअर्स। ये देखिए इस तरह आप इसे आइसक्रीम की तरह निकालिए, बहुत ही यम्मी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार है। तो अभी के लिए बस इतना ही, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, और मेरे चैनल स्वाद दिल्लीका को और देख भाई देख को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बिना नहीं जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं।